यूपी के गुंडों के साथ ताऊ करना चाहते हैं पापा की 18 बीघा जमीन पर कब्जा। 4 माह से स्कूल नहीं गए बच्चे, इच्छा मृत्यु की डीएम से मांग। जिले के ही दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सेवरी कला में रहने वाले एक परिवार ने आज कलेक्टर जनसुनवाई में कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। जानकारी के अनुसार रेखा यादव पत्नी जयचंद यादव निवासी ग्राम सेवरी कला थाना दिनारा ने बताया कि हमारे गांव में 18 बीघा जमीन है, जिस पर रानी पत्नी जयेंद्र यादव निवासी हाजी संस पेट्रोल पंप के पीछे खोडर छाजी उत्तर प्रदेश और उसके भांजे जितेंद्र विशाल विवेक पुत्र लखन सिंह यादव निवासी ग्राम सेवरी कला तहसील करेरा के द्वारा उसकी जमीन को जोतने नहीं दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई है। 12 साल से खेत पर खेती करते हुए परिवार आ रहा है जो जमीन पर जेठ हमसे छीनना चाहते हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में 181 सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। इसके साथ इंदिरा थाने में भी इसकी शिकायत कराई गई है। 14 अक्टूबर की सुबह 9 बजे जेठ सुखदेव जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर से गई और सुशीला देवी पत्नी लखन यादव ट्रैक्टर के आगे लेट गई और कहने लगी कि फूलचंद के केस में झूठा फंसवा देंगे। घटना के समय जितेंद्र यादव विशाल यादव विवेक यादव पुत्र लखन सिंह यादव मौजूद थे और झांसी से जितेंद्र यादव ने 3 लोगों को बुलवा लिया। सभी ने घर में घुसकर मारपीट की, साथ ही 4 माह के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। कई बार शिकायत को लेकर परेशान होकर आज परिवार ने कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की। क्या क्या मामला है आपका और आप इच्छा मृत्यु मांग रही हो, क्यों मांग रहे हो? जगह नहीं करने दे रहे मम्मी पापा को, वो पढ़ने जा रहे हैं तो गुंडों खुलवा के आते। तो कौन लेके आ रहा है गुंडों को? जितेंद्र यादव। तो कब से नहीं गई तुम पढ़ने? 4 महीनों से। क्या दिक्कत आ रही है वहाँ? मतलब पढ़ने जाते हैं तो यूपी के गुंडे खुलवा के आते हैं। कौन भेज रहा है? जितेंद्र यादव। कौन है जितेंद्र यादव? ताऊ की लड़की। आप क्यों करते हैं सब, क्या कारण है? जगह छोड़ दो आप। आपकी आपकी जमीन हाँ। कितनी जमीन है? 18 बीघा। किस गांव से आई आप? चौड़ी कला। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ से कायदें की हैं? दिनारा थाने में हाँ। रिपोर्ट नहीं ली थी। पुलिस का क्या कहना होता है, मतलब क्या है? मतलब वो पैसे दे देते ना वहाँ। अच्छा। तो इसलिए वो नहीं लेते। इससे पहले भी आपने कलेक्ट्रेट में शिकायत हाँ, करी थी, आपकी सुनवाई नहीं हुई। आवेदन दिया था ना, आज फिर से आई है तो आगे आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? इच्छा मृत्यु करेंगे। इच्छा मृत्यु क्या मांगने आए कलेक्टर साहब से? आप इतने परेशान हो चुके हैं वहाँ से? हाँ, हताश निराश हो चुके हैं। ऐसा क्या कारण है कि आपको जो जमीन का विवाद हो रहा है आपका? मतलब ये विवाद है कि न्यायालय में केस चल रहा है ना, तो वो छोड़ दो, इसके बाद कर लो। आपके पिताजी नहीं है? वो नहीं आए यहाँ पे? आए ना। क्या नाम है आपके पिताजी का? जयचंद यादव।